रूत तीसरा बाब। फिर उसकी सास नौमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं, जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बौजर हमारा रिश्तेदार नहीं, जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख, वो आज रात खलियान में जो फटकेगा, सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके, तब तक तू अपने तई उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर और उसके पांव खोलकर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूंगी। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। और जब बौजर खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ, तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके चुपके आई और उसके पांव खोलकर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया, और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पांव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूथ हूं। सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। उसने कहा, तू खुदावन की तरफ से मुबारक हो, ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का, खा वो अमीर हो या गरीब, पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी, मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है, और ये सच है कि मैं नजदीक का कराबती हूं। लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। इस रात तू ठहरी रह, और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा करना ना चाहे तो जिंदा खुदावन की कसम है, मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा। सुबह तक तो तू लेटी रह। सो वो सुबह तक उसके पांव के पास लेटी रही, और पेशतर इससे कि कोई एक दूसरे को पहचान सके उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये जाहिर होने ना पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने उसे थामा तो उसने जौ के छह पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया, और कहने लगी कि मुझको उसने ये छह पैमाने जौ के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे तू चुपचाप बैठी रह, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले।